शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें समझी हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश में राजनीतिक समझ एक घटनाक्रम से पैदा होती है। ठीक है, जो हमारे देश में बड़े स्तर के राजनीतिक संगठन हैं, हम उस हिस्से पर आते हैं जहाँ से भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद शुरू हुआ, हम लोग ने राष्ट्र के कंसेप्ट को समझना शुरू किया, नेशनलिज्म के कंसेप्ट को समझना शुरू किया। तो वो किस तरह से इस राष्ट्रवाद की का उद्भव हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे हम आज जिसको राष्ट्रवाद जानते हैं, जिस राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं कि हम भारत एक देश है, हम ये जो कॉन्सेप्ट है आज भारत को हम एक राष्ट्र के तौर पे समझते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कब और कैसे पैदा हुआ, तो हम अब इस हिस्से पर चलेंगे। मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास है वो मुख्यतः यही इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जिस इतिहास को हम पढ़ेंगे पढ़ते हैं, उस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यही है कि भारत एक राष्ट्र बना, एक देश में तब्दील हुआ। जो भारत अब तक जिसमें कई सारे टुकड़े हुआ करते थे, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था एक अलग तरीके की राजनीतिक व्यवस्था, अब तक मोनार्कियल राज जो व्यवस्था थी, मोनार्की आप लोग सभी समझते हैं, यस राजशाही। ठीक है, तो राजशाही यहाँ पर मौजूद थी। ये राजशाही किस तरह से क्या हमारे जीवन में योगदान कर रही थी, कैसे कोई मोनार्क हमारे पर शासन करता था, एक तो वो व्यवस्था किस प्रकार से बदली। बाकी देशों में, खासतौर में यूरोपियन देशों में जो मोनार्कियल सिस्टम है, वहाँ जैसे ये सिस्टम खत्म हुआ और भारत में जैसे ये सिस्टम खत्म हुआ, दोनों में अंतर है। और जैसे यूरोपियन देशों की यदि बात करें तो वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम एक दूसरे ही तरीके से खत्म हुआ। वहाँ पर जैसे फ्रांस की अगर सबसे बात करें, तो जो फ्रांस है, फ्रांस देश जहाँ से इस इवेंट की शुरुआत हुई, राजशाही को खत्म होने की शुरुआत हुई, कहाँ से राजशाही खत्म होनी शुरू हुई, किस देश से, फ्रांस सर। फ्रांस से। आप में से शायद फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सबको पता होगा। फ्रांसीसी यस सर। क्रांति क्या 1789 थी? सर, ये फॉल ऑफ बेस्टाइल था। फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो क्या थी? ठीक है, वो फॉल ऑफ बेस्टाइल से ज्यादा भी चलते, क्यों हम फ्रांसीसी क्रांति को सबसे इतना महत्वपूर्ण इवेंट, पूरी दुनिया के इतिहास के लिए हम एक सबसे महत्वपूर्ण इवेंट मानते हैं, क्यों मानते हैं? सर, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंटेग्रिटी दिया लिबर्टी विहार। ये तो उसके नारे थे, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उसने हमें दिया वो था मोनार्कियल सिस्टम का अंत। ठीक है, राजशाही का अंत। इससे पहले पूरी दुनिया में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? राजशाही, एक परिवार, कुछ लोग होते थे, उन्हीं का अधिकार होता था। ठीक है, उन्हें हम देव, मतलब वो अपने आप को देवता या भगवान के बराबर अपने आप को बताते थे। वो बताते थे कि हमारा जो राज परिवार है, हम लोग भगवान की संतान है, वी आर गॉड्स ग्रेस, और हमारा अधिकार है सब पर शासन करना। तो राजा, इस तरीके की एक पिक्चर क्रिएट की गई थी कि एक राजा होता है, एक राज परिवार होता है, उस राज परिवार का अधिकार होता है, कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है, उसका अधिकार होता है किसी भी देश पर शासन करना। ठीक है, तो किसी भी जगह देश, मतलब उस तरह में जो भी राज्य का कॉन्सेप्ट था उस पर शासन करना।
पर ये व्यवस्था सबसे पहली बार जहां बदली वो थी, वो देश था फ्रांस। फ्रांस वो देश था जिसके लोगों ने इकट्ठे हुए और अपने राजा के खिलाफ, रानी के खिलाफ मोर्चा खोला और उनको तख्ता पलट किया। नॉर्मली जो तख्ता पलट होता है वो आपस में होता है, एक राजा दूसरा राजा, कोई नया व्यक्ति एम्बिशियस व्यक्ति आया, उसने पुराने राजा को बदल दिया, ऐसा तो होता है इतिहास में। पर फ्रांस में ये पहली बार हुआ जब लोगों ने राजा को हटा दिया, राजा को लोग इकट्ठे हुए तो राजमहल में घुस गए और राजा को पकड़ा, रानी को पकड़ा और उनको फांसी पर लटका दिया गया, गुलेटन किया गया, फांसी एग्जैक्टली नहीं किया गया, गुलेटन किया गया। तो ये वहाँ पर हुआ फ्रांस में, और लोगों ने फिर अपनी सरकार बनाई, एक ऐसा सिस्टम बनाया, डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश की। उसमें कई सारी समस्याएं बाद में आई भी, परंतु एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब जिस डेमोक्रेसी को आज हम जानते हैं, डेमो प्लस क्रेसी, ठीक है, अ सिस्टम मोनार्की से आगे बढ़ के डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल, पीपल सिस्टम, लोगों का एक सिस्टम है। मोनार्की मीन्स, मोन मीन्स वन, वन मैंस पर्सन, वन मैन सिस्टम, ठीक है। तो मोनार्की को खत्म किया गया, राजशाही को खत्म करके लोगों का सिस्टम लागू हुआ, और ये लोगों का सिस्टम फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलता गया। और जैसा इन्होंने कहा भी कि फ्रांसीसी आंदोलन ने, फ्रांसीसी क्रांति ने जो हमें, जो इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, आज हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत मामूली मतलब बहुत सरल लग सकते हैं, आज हमें डेमोक्रेसी बहुत सहज दिखाई दे सकती है कि डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अब से कुछ साल पहले तक भी डेमोक्रेसी बहुत ही कम देशों में होती थी, और भारत में भी ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। और तो यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए जो इन्होंने बोला भी था, उस पर भी बात कर लेते हैं, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब व्हाट इज लिबर्टी सर? कुछ करने की आजादी सर, कुछ करने की आजादी, बेसिक आजादी, एक इंसान के लेवल की आजादी। अगर मैं कहूं 200 साल पहले का इंसान, 300 साल पहले का इंसान, जो ह्यूमन बीइंग थे 100 साल पहले की, या भारत में भी हम देखें, आज भी खैर उस पर कुछ डिस्कशन हो सकता है, 100 साल पहले इंसान दुनिया में, पूरी दुनिया की बात करें, तो क्या इंसान आजाद नहीं था? क्या हम आजाद नहीं थे? क्या किसी कैद में थे हम? हाँ या ना, कैद में थे? यस सर। कैसे? अगर लिबर्टी नहीं थी तो कैसे नहीं थी, एक्सप्लेन करिए सर। राजाओं का शासन था, वो लोग रोकते थे हर चीज करने के लिए। जैसे उदाहरण दो। उदाहरण सोचो, कोई भी सोचो कि क्या हमारा। हेलो सर, सर इसका, हेलो सर, बोलो सर, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था, जो मतलब कोई राजा के प्रति हम लोग आवाज अपनी मतलब बुलंद नहीं कर सकते थे, जैसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मतलब कर सकते थे। चलो, हमें मत रखने का अधिकार नहीं था, राजाओं की रूल एंड रेगुलेशन अपनी मर्जी से फॉलो करने पड़ते थे। सर एक इसका कॉलोनाइजेशन हो सकता है सर। सर इसमें ये भी होता था, उन लोगों को वो मतलब वंशज भी चलता था, जो उनका बेटा वही राजा बनेगा, फिर ऐसा तो आम पीपल को भी अपना अधिकार नहीं मिलता। हम केवल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ लिबर्टी पर बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास लिबर्टी नहीं थी। अगर हम ऐसा कहते हैं कि लिबर्टी नहीं थी, तो किस चीज की लिबर्टी नहीं थी? अब आज हमारे पास क्या लिबर्टी है? वी मस्ट वैल्यू कि आज हमारे पास जो है वो है क्या, क्या है हमारे पास? फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, फ्रीडम टू गैदर समवेयर, चुनने का सर, अपना राजा को चुनने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार,
राजनीतिक अधिकार, किस चीज का राजनीतिक अधिकार है हमारे पास? सर, मत देने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार। सरकार बनाने का कहा अधिकार, चुनने का अधिकार है तो हो सकता। सर, हम किसी भी काम को कर सकते, मतलब पहले जो जिस सिस्टमिकली काम करते थे, अगर हम चेंज कर सकते, आप जो चाहिए कर सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया, इन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही। देखो, हमारे को लग सकता है लिबर्टी, क्योंकि आज हम शायद उस लिबर्टी को वैसे वैल्यू नहीं करते। वैसे भी आज भी लिबर्टी में बहुत सी सीमाएं हैं हमारे, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई अब कोई सीमा रही नहीं है, परंतु यस, हर चीज़ें बदली है। नंबर एक, सबसे पहला हमारे जो है स्पीच, हमारा आर्टिकल 19 को देखें तो 19 में हमारी लगभग सारी आज़ादियाँ की लिबर्टी किस तरीके से, एक व्यक्ति की लिबर्टी की बात करें, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। नंबर वन, हमारा आर्टिकल 19 इसी की बात करता है। हम अगर अपने संविधान के आर्टिकल 19 को देखेंगे तो 19 के अंतर्गत जो व्यक्तिगत आज़ादियाँ हैं वो इसी आज़ादी की बात करती हैं, इसी लिबर्टी की बात करती हैं। नंबर एक, हमारे पास बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार क्या है? आज हम तमाम लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं, व्हाट्सएप पर सरकार के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तमाम तरीके के मैसेज भेजते रहते हैं, ठीक है। रात भर देखिएगा व्हाट्सएप में बड़े सारे मैसेज घूम रहे होंगे, ये वो कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कार्टून बना रहा है। अगर मैं ये कहूँ, अगर राजा अकबर होते भारत के कॉन्टेक्स्ट में करें, या औरंगजेब होते, और आप औरंगजेब का बारे में ऐसा भेजते संदेश, तो क्या आप भेज सकते थे? नो सर। इंग्लिश रूलर भी थे, अभी गवर्नर जनरल थे, तो भारत में अगर गवर्नर जनरल होते, ये सब वो क्राइम थे जिनमें सीधा राजद्रोह का केस आप पर लग जाएगा। अगर राजा के खिलाफ आपने कुछ भी बोला तो आप पर राजद्रोह का केस आज भी लग जाता है। खैर, वो एक दूसरी बात है कि आज भी वो लगता है पूरी तरीके से, उसमें वो नहीं है, परंतु पहले ये चीज एकदम से प्रोहिबिटेड टाइप की थी, राजा के खिलाफ बोला जाना संभव ही नहीं था। जैसे आज टीवी पर आप देखिए कि मीडिया वाले, पत्रकार लोग, रवीश कुमार देखता हूँ, काफ़ी लोग काफ़ी बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें साफ साफ बोलते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। पर पहले जैसे पहले राजा को भी कैसे, अभी तक हम गवर्नर जनरल को क्या याद करते हैं? गवर्नर जनरल के लिए क्या बोलते हैं हम सारे? किसी भी गवर्नर जनरल का नाम बताइए, किसी का भी नाम बोलो। सर, लॉर्ड कैनिंग सर, रॉबर्ट क्लाइव। इसका नाम क्या है, इसका नाम कौन सा है? क्या सर? ये इसका नाम है, पूरा इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग का पूरा? आज नो सर, नाम क्लाइव है और लॉर्ड सर वैसे लगाते हैं। नाम तो कैनिंग है सर। आज तुम प्रधानमंत्री मोदी को कैसे बोलते? लॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी, लॉर्ड नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, लॉर्ड रामनाथ कोविंद नहीं बोलते, बट यहाँ पर लॉर्ड क्या होता है? महामहिम भगवान सर्वा होता है। तो मतलब हमारे को यहाँ तक रहना था कि कोई जो ऐसे मतलब जो पोजीशन पर लोग थे उनको आप नाम के आगे भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हर जगह लॉर्ड ही मिलेगा, शब्द जो मिलेगा। तो जो आज़ादी है, स्पीच है, एक्सप्रेस करने की, अगर आप सहमत नहीं हैं सरकार से, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू हैव दैट राइट, यू हैव दैट अथॉरिटी कि नहीं हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। आप अपने घर में, अपने धर्म के बारे में, अपने किसी के बारे में, जिसके बारे में आपसे असहमत है, किसी भी चीज़ से असहमत है, हो सकता है आप पूरी दुनिया में अकेले हैं। कभी कभी मैं अपने आप को खुद फील करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से असहमत होता हूँ जो शायद बहुत लोग बुरा मान जाएंगे, पर फिर भी मैं बोलता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? शायद नॉर्मल सरकमस्टांस हो गए, धर्म के बारे में आप कैसे बोल सकते हो, मार दो गोली। गैलीलियो से लेकर ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनको मार दिया गया केवल इसलिए कि उन्होंने क्या किया था, वो धर्म के खिलाफ बोल रहे थे। पर आज आप बोल सकते हो, पिटाई हो जाएगी, आज भी हो जाएगी, तो लिबर्टी है, मतलब फिर भी लिबर्टी है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट है। क्रिटिसाइज करने की आज़ादी, फिर इन्होंने दूसरा एक उदाहरण दिया था काम करने का अधिकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है।
आज हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, जो चाहे काम कर सकते हैं। पहले काम ही डिफाइंड थे, ये वाला काम ये आदमी करेगा, तो भारत के अंदर ही व्यवस्था थी, ठीक है। ये आदमी है भाई, आप तो फला जाति के पैदा हुए, आपका काम यही, आपको यही करना है। आप फला जाति में पैदा हुए, आपको तो यही काम करना है, आपको वही काम करना पड़ेगा। तो कोई आज़ादी नहीं थी, आपको जो काम करना है आज आप कर सकते हो, आपको अपने काम को चुनने की आज़ादी है। पहले कोई आज़ादी, यूरोप में बात करें सर्फ होते थे, भारत में भी जैसे बंधुआ मजदूर हुए, ऐसे ही वहाँ पर एक सिस्टम होता सर्फडम का, तो वहाँ पर सर्फ हुआ करते थे, वहाँ जमींदार होता था और एक फ्यूडल लॉर्ड होता था उनका, और एक सर्फ होता था। बेचारा सर्फ पूरी जिंदगी उसी के लिए काम करता रहता था, वो उसे छोड़ के भी नहीं जा सकता था, उसे वो उस खेत से उस जमीन से बंधा हुआ था। वो चाहे भी कि नहीं, मैं नहीं काम करना चाहता, मुझे पैसे कम मिलते हैं, मुझे बेहतर नौकरी मिल रही है, ना कुछ नहीं, आपको यही काम करना पड़ेगा। जो वो पैसे आपको देगा, आपका जो मालिक है वही पैसे आपको लेने पड़ेंगे। तो ये सर्वडम का काम था कि काम करने का अधिकार नहीं था, आने जाने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे बड़ी सारी, पर आज हमारे पास ये सब चीज़ की लिबर्टी है। भारत में भी जैसे हम करें कि पहले यदि कोई दूसरे देश चला जाता था, समुंदर की यात्रा कर लेता था, तो उसको कहते थे ये धर्म भ्रष्ट हो गया, ये धर्म से बाहर हो गया, इसे बाहर निकालो। आज ऐसा नहीं है, आज आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, कितना भी जाओ, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। तो लिबर्टी का जो आज हम जिस लिबर्टी की बात करते हैं, वो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है, वो हमें सबसे पहली बार कहाँ से मिला, हमें मिला फ्रांस की क्रांति से। इक्वालिटी दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमें इससे मिला था, फ्रांस की क्रांति से, वो शब्द मिला था इक्वालिटी, बराबरी। हर आदमी आपस में एक दूसरे से बराबर है, हम बराबर हैं, एक इंसान, एक राजा और एक भिखारी, आज के समय में दोनों बराबर हैं। जब वोट डालते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति का भी एक वोट होता है और या प्रधानमंत्री का भी एक वोट है, और एक गांव में, देहात में, कहीं किसी का भी, उसका भी एक ही वोट है, ना किसी का कम ना किसी का ज़्यादा, आज सभी बराबर हैं। थियोरेटिकली कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, सब कानून के समक्ष बराबर है, एक कोई फर्क नहीं किया जा सकता कानून में। अगर एक चीज के लिए ये सजा होगी तो फिर चाहे वो क्राइम कोई भी करे, अमीर आदमी से अमीर आदमी भी करे, चाहे मुकेश अंबानी करे या बिल्कुल फकीर आदमी करे, तब भी दोनों के लिए एक ही वो है। तो ये इक्वेलिटी है, पर इक्वेलिटी हमेशा नहीं थी। पहले चीजें बटी हुई थी कि भाई ये तो राज परिवार है, राज परिवार अगर दो चार लोगों को मार भी दे, मारते भी थे, ऐसा नहीं था, वो तो राज परिवार के लिए सारे खून माफ थे, वो कुछ भी कर सकते थे क्योंकि वो राजा थे, वो राज परिवार से थे, राजा और राजा के आसपास के लोग। फिर उसके बाद नोबल्स आते थे कि ये लोग नोबल हैं, नोबिलिटी में हैं, बड़े बड़े लोग हैं, है ना, ये बड़े आदमी हैं, जिसको आज भी हम बोलते हैं ना कि बड़े आदमी हैं ये लोग, तो नोबिलिटी में लोग थे। फिर मिडिल क्लास था और फिर हमारा किसान और एक आम जन था, तो इनमें भी आपस में कोई बराबरी नहीं थी। आज भी वो बराबरी उस तरीके की नहीं है, पर कम से कम थियोरेटिकल बराबरी है, कागजों पे तो बराबरी है। आज भी हमारे संविधान में तो लिखा ही हुआ है, संविधान में के तहत तो ये लिखा ही हुआ है कि भाई सबको, सब कानून के समक्ष बराबर है। कानून आज भी बराबरी पूरी तरीके से लागू नहीं है, पर थियोरेटिकल, पहले बराबरी थियोरेटिकली भी नहीं थी। हमारे देश में भी जाति व्यवस्था है कि फला जाति है, उसका यही काम है, उसके पास यही प्रिविलेज है। अगर कोई हमारे जो मनुस्मृति है उसमें इस तरीके की कई उल्लेख मिलते हैं कि भाई महिलाओं को ये अधिकार है ही नहीं, महिलाएं पढ़ना चाहे तो वो पढ़ नहीं सकती क्योंकि उनको कोई बाई डिफॉल्ट वो लेसर है, वो कम है, वो छोटी है, वो योग्य नहीं है, उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, उनके साथ बुरा बर्ताव, उन्हें किसी ना किसी के अधीन होना ही चाहिए, महिलाओं को किसी के अधीन रहना चाहिए। ये हमारे जो स्मृति टेक्स्ट है, जो हमारे शास्त्र टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज वहाँ पर लिखी हुई है कि जो है महिलाओं को किसी ना किसी के अधीन रहना चाहिए। जातियों में इस तरीके से लिखा हुआ है, महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं है, मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं थी, उसका कारण क्या था महिलाओं का, क्योंकि उनको एक अनइक्वल स्टेटस हासिल था,
उनको एक स्टेटस हासिल तक नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, आपका काम घर में रहना है, आपका काम अपने घर के पुरुषों की सेवा करना है, केवल यही काम है, नौकरी करना पैसा कमाना ये आपका काम नहीं है, ये काम पुरुषों का है वो करेंगे, आपको नहीं करना है। तो महिलाएं सब, तो इससे उनके लिए आपने एक अनइक्वल गैर बराबर स्टेटस दे दिया। तो जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को देने में हमारी का रास्ता देने के लिए हमारी इसमें फ्रांसीसी क्रांति ने रास्ता बनाया। और आखिरी शब्द जिसने दिया हमें वो था फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की हिंदी क्या करेंगे? भाईचारा। कि हम आपस में एक दूसरे से भाईचारा रखें। जब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे से से अलग रहेंगे, ठीक है, हम अपने को अलग समझेंगे, ये सोचेंगे भाई मेरा काम है, ये मेरा मतलब है, ये चीज़ से काम नहीं चलेगा। हमें भाईचारा, सहयोग असेंशियल है। अगर हमारे देश में अगर किसी चीज़ की कमी है, इतने लोग हैं पर किस चीज़ का अभाव है? अगर हम अपने देश के बारे में भी सोचें तो हमारे देश में, हाँ मतलब अगर मैं सच में फील करता हूँ, हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है भाईचारा ना हो। हम किसी को अपने बराबर नहीं मानते, हम किसी को अपना भाई मानते ही नहीं, अपने भाई को भी भाई नहीं मानते हैं, दूसरों को तो क्या भाई मानते हैं? हम कंसर्न नहीं है। दूसरा आदमी अगर जो है भूखा है, उसे कोई समस्या है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमारे लिए तो काफ़ी हो गया। और दूसरे आदमी को भी हमसे कोई कंसर्न नहीं है, कहता ठीक है ये अपना कर लेंगे, हमें क्या करना है इनसे, ठीक है हमें इनसे क्या मतलब। तो भारत में इस चीज का बड़ा, फ्रेटर्निटी का बड़ा, बिलोंगिंगनेस का, मैं लगभग शायद सारी क्लासों में इस बात को जोर देता रहता हूँ कि एक सेकंड आप लोग दीजिएगा। जी तो हाँ, तो हमारे यहाँ पर किसी की, हमारे अंदर का अभी भी हमें ये सीखना है कि हमें बिलोंग करना है, ये देश हमारा है, हम सब इस देश के हिस्से हैं, बराबर के हिस्से हैं, कोई छोटा बड़ा हिस्सा नहीं है। ये देश क्यों, कब बनेगा ये देश हमारा जो राष्ट्र है, वो कब राष्ट्र, परफेक्ट राष्ट्र बनेगा? जब हमारे भीतर आपस में एक दूसरे के लिए एक कनेक्शन होगा, जब हम एक दूसरे से जुड़े होंगे, जब हम ये नहीं सोचेंगे ये तो वो है, ये फलाना है, मैं इसे क्यों करूं, ठीक है, आपस में जैसे हम एक फैमिली हैं, तो ये देश जब एक फैमिली बन जाएगा, जब एक परिवार की तरह हम बिहेव करने लगेंगे, भाई ठीक है परिवार में सब लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, पर परिवार की विशेषता होती है कि परिवार एक साथ रहता है, अपने सुख दुख में एक साथ होता है, जब भी मुश्किल का टाइम होता है हम एक साथ आते हैं, खुशी का टाइम होता है हम एक साथ आते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। तो जब ये भाईचारा, ये फ्रेटर्निटी आएगी, तब हम एक अच्छा और मजबूत राष्ट्र बन पाएंगे, अन्यथा हम आपस में ही, हम अभी केवल एक भीड़ हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारे को फ्रांसीसी क्रांति ने दी, बताया रास्ता कि ये तीन चीज़ें मिलनी चाहिए। पर खैर ये थियोरेटिकली बताया, पर जो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारी फ्रांस की क्रांति ने किया, वो किया राजशाही का खात्मा। तो राजशाही का खात्मा हुआ और डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, नए तरीके के वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यू दिए गए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वैल्यू सिस्टम में आया, और उससे हमारा जो है देश में भी वो बदलाव आने वो शुरुआत हुई। अब भारत में उस तरीके की घटना तो हुई नहीं जैसी फ्रांस में फ्रांसीसी आंदोलन हुई, तो यहाँ पर किस तरीके की घटनाएं हुई? यहाँ पर ये सिस्टम जो है, जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी का सिस्टम परफेक्टली नहीं आया। एक्चुअली हमने कई चीज़ें अर्न नहीं की,
हमने कभी इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमने डेमोक्रेसी को इम्पोर्ट किया है, हमने डेमोक्रेसी को बनाया नहीं है, हमने इसे इम्पोर्ट किया है। इम्पोर्ट भी क्या किया, हमारे को अंग्रेजों द्वारा दी गई, तो हमने उसे कह रहे यार ये तो बढ़िया चीज़ है, काम की चीज़ है, पर हम उसको वैल्यू नहीं उतना ज़्यादा कर पाए जितना हमें करना चाहिए। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो शुरुआत है हमारे देश में, वो एक हद तक डेमोक्रेटिक वैल्यू, जैसी जैसी वैल्यू ब्रिटेन अपने देश में फॉलो कर रहा था, उसका एक रेजिडुअल हिस्सा जो बचा खुचा, उस डेमोक्रेसी का एक रेजिडुअल बचा खुचा हिस्सा उसने भारत में भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि भारत उसका गुलाम देश था और नैतिकता के आधार पर उसने ये काम किया कि भाई ठीक है यहाँ भी हमें सिस्टम लागू करना चाहिए। तो वो वैल्यूज़, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हमारे देश में भी, भारत में भी आए और भारत भी फिर अपने लिए जो है एक राष्ट्र की ओर बढ़ने लगा, राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने लगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि हमने 1857 में कई सारे कारणों में, जिसमें राजनीतिक कारण थे, मिलिट्री कारण थे, सामाजिक आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, जिसके कारण हमने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा संकल्प लिया और बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ा विद्रोह किया ताकि अंग्रेजों को यहाँ से हटा सके। परंतु क्योंकि उस विद्रोह, उस क्रांति का कोई एक उद्देश्य नहीं था, जैसे फ्रांस में क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति का एक उद्देश्य था, उनको पता था कि हमें करना क्या है, हम यहाँ पर एक शासन व्यवस्था लाना चाहते हैं जो लोगों द्वारा चलाई जाए। तो जहाँ भी क्रांति हुई उन लोगों को पता था, रूस में क्रांति हुई तो उनको पता था कि हमें लोगों का शासन लाना है, परंतु जब भारत में क्रांति हुई तब उनको कोई आइडिया नहीं था कि हमें करना क्या है, ठीक है। बस वो किसी को चाहिए था कि मेरा झांसी बच जाए, किसी को चाहिए था कि मैं पुराना मुगल राजा हूँ, हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं थी। कुछ लोग ऐसे थे जो सैनिक थे, वो उनसे परेशान थे, बट कोई एक उद्देश्य के, एक कॉमन उद्देश्य को लेकर नाराजगी थी, अंग्रेजों से नाराजगी थी, पर किसी भी चीज़ के लिए एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि जो है जो बदलाव के लिए केवल गुस्से को होना काफ़ी नहीं होता। अगर हम कुछ भी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए केवल नाराजगी होना, गुस्सा होना काफ़ी नहीं होता, उसके बजाय हमें एक सिस्टम होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम किसी सिस्टम को बदल सकते हैं। तो 1857 के बाद ये बदलाव शुरू हुए और शुरुआत में कुछ अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में बने, जो कि 1857 से भी पहले बनने लगे थे। राजनीतिक संगठन भारत में शक्ल लेने लग गए थे, भारत में भी इस तरीके की राजनीति, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भारत में फ्रांस की क्रांति के आदर्श कौन लेके आया था, क्या भारत के लोग फ्रांस की क्रांति से परिचित थे, और थे तो कहां, ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ है और मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। कोई भी नहीं, सर, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, वो टीपू सुल्तान था, वो ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था सर, और जेकोबियन क्लब का भी मेंबर था सर। वेरी गुड, टेंपल ऑफ लिबर्टी इसने बनाया था, ठीक है, जो और जेकोबियन क्लब, उस समय पर एक जेकोबियन क्लब होता था जो फ्रांस में था, तो ये जेकोबियन क्लब, टेंपल ऑफ लिबर्टी, ये टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान किस समय पर मौजूद था, समय काल कब था भारत में, 1784 से लेके 1799 तक, यानी कि फ्रांस की क्रांति के होने के तुरंत बाद ही, कुछ सालों बाद ही, 8-10 साल बाद ही भारत के अंदर भी ये खबरें आ रही थी, भारत में भी ये चीज़ें पता चल रही थी कि हाँ लिबर्टी कोई चीज़ है, कोई जैकोबियन क्लब, और ये सारी चीज़ें भी भारत के अंदर भी लोगों को पता थी। टीपू सुल्तान ने अगर लिबर्टी का टेम्पल बनाया तो उसका एक कारण, एक उद्देश्य होगा।
तो ये राजनीतिक खबरें हमारे पास यूरोप से आ रही थी और हम भी धीरे धीरे नई तरीके की राजनीतिक व्यवस्था के लिए तैयार हो रहे थे। तो भारत में जिसको अर्ली एक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। हमारे देश में परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू की गई कॉर्नवालिस के द्वारा, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस ने की थी ना, तो कॉर्नवालिस ने जो परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू की उसने किसको जन्म दिया, जमींदारों के एक बड़े ग्रुप को। पहले तो पहले भी होते थे जमींदार, पर इसने जमींदारों को और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया। तो जमींदारों का एक बड़ा वर्ग, ऐसा वर्ग जो जिसका पैसा भी काफी था, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े, पता चला कि किसी के पास पूरे गांव की, दो गांव की, चार गांव की जमींदारी है। अब चार गांव की जमींदारी में से हर एक किसान से भी थोड़ा थोड़ा पैसा लेगा तो जमींदार के पास कितना पैसा हो जाएगा। वो शोषण करता था पूरा अपने जितने भी किसान होते थे पूरे गांव के, गांव का, और उससे जो पैसा इकट्ठा होता था उससे उसके पास रिलेटिवली वो एक एफ्लुएंट क्लास, एक इलीट सेक्शन भारत के अंदर बन गया था। और जब एक इलीट सेक्शन जो पैसे वाला तबका होता है, गरीब लोग जो होता है, आदमी होता है, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होता है, ठीक है, हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते, हम आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। पर हम ये बात को स्वीकार सभी को करना चाहिए कि जो पैसे वाला तबका होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसको आवश्यकता है, वो समझता है कि भाईचारे का कितना महत्व है, तो अपने हित को सुनिश्चित करने के लिए, अपने हितों को बचाने के लिए इन जमींदारों ने और लैंडलॉर्ड्स ने मिलकर ये किया कि भाई हम जो है अपने लिए एक सोसाइटी बनाए, एक ग्रुप बनाए, और उस ग्रुप का नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि सन 1838 में बनाई गई। और ये भारत का शायद जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि कई हो सकता है इससे भी पहले कुछ बना हो जिसकी जानकारी आज हमें ना हो, कल कोई ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस मिल जाए, कहीं से कोई चीज़, कोई किताब हाथ लगे, कोई और एविडेंस हाथ लगे, तो मे बी ये डेट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बदल जाए। परंतु आज के समय में जो चीज़ें हमें पता है उनके अनुसार लैंड होल्डर सोसाइटी एक अर्ली ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें भारत में बेसिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिससे कि जमींदार अपने इतिहास को, अपने इंटरेस्ट को, ठीक है, अपने इतिहास को जो है, अपने इंटरेस्ट को, जो भी उनके हित की चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित कर सके। पर इसका कोई देश बचाना, राष्ट्रवाद कोई उद्देश्य नहीं था। अच्छा, इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी ने ही अपना एक काउंटर पार्ट भी बनाया, क्योंकि भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी बनाने से कोई फ़ायदा था नहीं, भारत में अपनी बात कहने के लिए कोई खास गुंजाइश थी नहीं, एक गवर्नर जनरल था वो लगभग अपने समझ से ही काम करता था, भारतीयों को राजनीतिक व्यवस्था में, डिसीजन मेकिंग में बहुत कम ही शामिल किया जाता था, लगभग ना के बराबर ही शामिल किया जाता था। तो ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसी लैंड होल्डर सोसाइटी का एक काउंटर पार्ट थी, इसी का एक हिस्सा था, इन्होंने ही बनाया ब्रिटेन में। कि आप इंग्लैंड में जाकर, क्योंकि सबको पता था भाई हम किसके किसके गुलाम हैं, हम गुलाम हैं रानी के, रानी विक्टोरिया के। तो गवर्नर जनरल हो सकता है ये जो है अच्छा आदमी ना हो, ठीक है, परंतु जो ब्रिटिश क्राउन है ये बहुत दयालु है, और हमें यहाँ जाकर अपनी बात बतानी चाहिए। अगर हम अपनी तकलीफ दुख बताएंगे तो निश्चित हमारे लिए कुछ करेंगे। इसी विश्वास के साथ में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये इंग्लैंड में बनाई गई। उसके बाद अधिकांश जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई वो 1857 के, कई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत में अलग अलग बनी है, उनमें से जैसे एक है पूना सार्वजनिक सभा। तो बंगाल में बनी बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, अगर वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र वाले इलाके में बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 में,
1867 में। इन सब में डेट्स इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे तारीख इम्पॉर्टेंट है। और ये बनाई गई थी, ये विचार था महादेव गोविंद राणा डे के का, जो कि एक इंडियन जज थे, पहले भारतीय जज बने। इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कौन लेके आए थे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन द्वारा लाए गए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। भारत के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की पूना सार्वजनिक सभा में। कौन है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उस समय पर मांग की गोविंद राणा डे ने कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके बाद ये कुछ जगह पर ये कुछ बेसिक व्यवस्था शुरू हुई। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण और नेता थे, इसमें बाल गंगाधर तिलक भी एक महत्वपूर्ण नेता थे पूना सार्वजनिक सभा में, जिसकी शुरुआत 1867 में पूना से हुई। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना हुई 1875 में, बंगाल में इसकी स्थापना की गई सुशील कुमार घोष, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका, ये भी फेमस मैगजीन है जो अमृत आज भी फेमस है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैगजीन है, इसको छापने वाले सुशील कुमार घोष जो है इसके वन ऑफ द फाउंडर थे इंडिया लीग के। और इसने राजनीतिक जागरण, पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम शुरू किया, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। क्या मतलब हुआ चेतना का, बताइए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक रूप से जागरूकता फैलाना, लोगों में राजनीतिक रूप से जागरूकता फैलाना कि भाई आप अपने राजनीतिक अधिकारों को जानो, अपने बारे में समझो। तो राजनीतिक चेतना को फैलाने का काम शुरू किया। इसके जो अन्य सदस्य थे इंडिया लीग के शिशिर कुमार घोष के अलावा, आनंद मोहन घोष, दुर्गा मोहन दास, नभ गोपाल मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इसके कुछ अन्य सदस्य थे। और इन्होंने मिडिल क्लास में काम करके, मध्यम वर्ग में, उस समय के मध्यम वर्ग में काम करके, क्योंकि बहुत छोटा था भारत में, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को शुरू किया, उसको स्टिमुलेट करना, कि उसको एनकरेज करना कि लोग पॉलिटिकली एजुकेट हों, इसके लिए काम करना शुरू किया। इंडिया लीग के बाद अगला महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन आता है इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन इसको स्थापित किया आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब तक नहीं बना। इसका एक अखबार था जिसका नाम था बंगाली, ठीक है, ये इस नाम से इंडिया एसोसिएशन का अखबार था। और ये प्रमुखता से उसमें आया जब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई 1883 का, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। कौन बताएगा मुझे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? ये सर कि इंडियन को राइट मिल गया था कि वो सर यूरोपियन जज भी सिलेक्ट कर सकते अपने लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कम से कम ये, मतलब ये हमारे जज, मतलब एक आम आदमी का तो अपमान है ही है, इवन जज को भी, जो के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उस समय पर कि वो जज भी कॉम्पिटेंट नहीं था कि किसी दूसरे यूरोपियन मूल के व्यक्ति के केस को सुन सके। तो ये चीज़ बहुत अपमानजनक थी और इस बात को, इस चीज़ को रिवर्स करने की कोशिश की गई थी इस इल्बर्ट बिल द्वारा कि ये चीज़ ख़त्म की जाए,
परंतु इसका काफी विरोध हुआ और इस समय पर ये जो इंडिया एसोसिएशन और बंगाली अखबार, तो इसमें ये प्रमुखता से आगे आया। इसने एक कंसेप्ट सोचा था ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1883 में, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो बेसिकली इस तरीके के प्रयास, एक ऑल इंडिया लेवल पे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। ये 80 के दशक में भारत में ये चीज, कुछ जो कम से कम जागरूक लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनको ये बात समझ आ रही थी बंगाल की, और जिनमें से ज़्यादातर गतिविधियाँ बंगाल सेंट्रिक थी, क्योंकि बंगाल में एजुकेशन रिलेटिवली ज़्यादा थी, अंग्रेज वहीं पर उनकी राजधानी थी, तो वहाँ पर लोगों में ज्ञान ज़्यादा था, नॉलेज ज़्यादा थी, वो पॉलिटिकल सिस्टम को समझते ज़्यादा थे, और जो बाहर दूसरे देशों में भी जो प्रचलित विचार चल रहे थे उस समय फ्रांस में और देशों में, उनकी जानकारी अभी तक मिल रही थी। तो बंगाल में ये प्रबुद्धता सबसे पहले आई और बंगाल ने इसके लिए काम करना शुरू किया। बंगाल में ये इस तरीके के प्रयास हो रहे थे कि हमें एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक ऐसा वो बनाना चाहिए। बाद में यही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर बना, जो 1885 में बन गया। मद्रास में जो पहला संगठन बना था वो था मद्रास महाजन सभा 1884 में। पी आनंद चालू, वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, इसके कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। ऐसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये अलग अलग पूरे देश में जो है घटनाक्रम हो रहा था, सब जगह अलग अलग विचार चल रहे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जो यहाँ इस समय पर मौजूद थे। तो ये सारे विचार जो है पूरे देश में लोगों को जोड़ने का एक प्रयास थे। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आगे भी ये चीज आएगी कि जो इस समय का जो मूवमेंट था वो मुख्यतः मध्यम वर्ग का मूवमेंट था। मध्यम वर्ग भी उस समय मतलब बहुत सीमित होता था, मध्यम वर्ग, जैसे आज मध्यम वर्ग की संख्या तब भी रिलेटिवली ज़्यादा है, 10-15-20% लोग मध्यम वर्ग में आ सकते हैं, परंतु उस समय मध्यम वर्ग भी नहीं था। मध्यम वर्ग 1-2% लोग ही हुआ करते थे, अधिकांश लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी को झेल रहे थे, ना उनके पास एजुकेशन थी, बहुत थोड़ा सा तबका, वो भी खास क्षेत्रों का तबका जो है इसके लिए काम कर रहा था। ये एसोसिएशंस के नाम आपको सभी के याद रखने हैं। पूना सार्वजनिक सभा की हमने बात की, हमने बात की इंडिया एसोसिएशन की बात की, इंडिया लीग की बात की, हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की, हमने मद्रास महाजन सभा की बात की। आपको सबके ईयर कौन कौन फाउंडर है, विद फाउंडर विद ईयर याद रखना है। ये बहुत कॉमन सवाल है यूपीएससी का, ये जो 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है इनमें किसी न किसी का नाम गाहे बगाहे पूछा ही जाता रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। भारत के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारत के अंदर में जो कांग्रेस है वो बन गई, और उससे क्या क्या हालात बने। तो कांग्रेस बनने से पहले के हालात हमने वैसे थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है दोबारा से, कि 1885 में ऐसा क्या हुआ। हमेशा हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जब कारणों की बात करते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक जरूर करें। बिना किसी बैकग्राउंड के कोई घटना नहीं होती, हर कार्य का कारण होता है। होता क्या नहीं होता, इसे मानते हो नहीं मानते हो? हर चीज का एक कारण होता है, जो इफेक्ट है वो हमें दिखता है, पर उस इफेक्ट का कुछ कारण होता है। कोई भी चीज हो रही है वो किसी चीज के कारण हो रही है, क्योंकि कुछ उसके पीछे कारण है। हर चीज के पीछे, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना कारण हो रही हो। तो 1885 में भी इस तरीके के कारण थे, इस तरीके के हालात थे। लोग सबसे पहले तो डिससेटिस्फेक्शन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल था, हमारा जो अंग्रेजी शासन था उससे लोग बुरी तरह से परेशान थे।
जो महत्वपूर्ण रीसेंट घटनाएं थी 1885 से पहले की, उनमें एक था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट ने क्या कर दिया था, आर्म्स एक्ट ने सन 1878 में भारतीयों को, मतलब यहाँ पर भी वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अपनाई। और मेरे जीवन में आज तक मैं एक चीज़ को समझाऊँ कि आदमी किसी चीज़ से दुखी नहीं होता, केवल एक ही चीज़ से दुखी होता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेद करना, भेदभाव। अगर दो लोग समकक्ष हैं, दो लोग बराबर हैं, मैं किसी को कुछ दे दूं और दूसरे को ना दूं, मान लीजिए आपके घर में मिठाई आए, आपके भाई को मिल जाए और आपको ना मिले, तो ये बहुत बुरा लगता है। तो हमें किसी भी हालत में इस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए, भेद की नीति। भेद की नीति सबसे बुरा लगता है, सबसे खराब लगता है किसी भी इंसान को। किसी भी जागृति के पीछे हम देखें तो भेद बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका जो है करता है। तो यही जो भेद था, जो भेदभाव था, वो आर्म्स एक्ट में किया गया। भारतीय अधिकार अधिक वो फायर आर्म्स नहीं रख सकते हैं, हथियार नहीं रख सकते हैं, यूरोपियंस रख सकते हैं। फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया, ये भी एक दूसरा भेदकारी वो था। इंग्लिश अखबारों पर कोई नियम नहीं है, क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकारों पर तमाम जो है वो है प्रतिबंध है। फिर एक और इसी प्रकार की भेद की नीति थी, वो थी एल्बर्ट बिल, मतलब एल्बर्ट बिल उसको वापस कर रहा था, पर एल्बर्ट बिल के कारण ये इशू हाईलाइट हो गया कि भाई जो जज हैं वो यूरोपियंस को केस नहीं कर सकते, और जो यूरोपियन लोग थे वो एल्बर्ट बिल का काफ़ी विरोध कर रहे थे। जब विरोध कर रहे थे तो उनका जो ट्रू कैरेक्टर है कि अंग्रेज अपने आप को कितना भी आदर्शवादी माने, कितना भी आदर्शवादी बताएं, परंतु जब बात आती है सच की, जब सही की, तब अंग्रेजों का चरित्र अलग हो जाता है। ये चीज़ हमें एल्बर्ट बिल में दिखाई देने लगी, क्योंकि विड्रॉल के कारण, प्रेशर के कारण, लोगों का दबाव, यूरोपियन और ब्रिटिश लोगों का इतना दबाव था कि इसको वापस लेना पड़ा। तो इन सभी घटनाओं में जो रेशियल चरित्र था उसका उसका हमें खुलासा हुआ कि किस प्रकार का रेशियल चरित्र, किस प्रकार का नस्लीय भेदभाव जो अंग्रेज हैं वो हमारे साथ करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे दिसंबर 1885 को 72 डेलीगेट्स के द्वारा जो है ये पहली मीटिंग जो है ये करने का की शुरुआत हुई। ये जो मीटिंग थी कांग्रेस की, जो पहली मीटिंग थी दिसंबर में जो मीटिंग होनी थी, वो पुणे में होना पहले तय हुआ था। जो मीटिंग बॉम्बे में हुई वो बॉम्बे से पहले मीटिंग कहाँ होनी थी, पुणे में। परंतु जब प्लेग वहाँ पर पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण उस वेन्यू को एकदम से शिफ्ट करना पड़ा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में। तो इस प्रकार से इन लोगों ने कहाँ पर स्थापना हुई, पहली मीटिंग कहाँ हुई कांग्रेस की, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, पुणे में। दिसंबर 1885 में इसकी शुरुआत हुई। पहले ये मीटिंग पुणे होनी थी, होना पुणे में तय था, वहाँ ना होगा, फिर ये बॉम्बे में हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसके जो फाउंडर बने वो बने एओ ह्यूम, एलन ऑक्टन ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, एक सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड सदस्य थे। और पहले प्रेसिडेंट बने डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, एओ ह्यूम इसके पहले फाउंडर बने और प्रेसिडेंट बने डब्ल्यू सी बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब कांग्रेस बन तो गई, अब कांग्रेस की क्या क्या मांग थी, वो क्या चाहती थी, क्या करना चाहती थी। तो कांग्रेस की जो कुछ बुनियादी मांगे थी, उन मांगों में था कि हमें अपना जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका विस्तार कीजिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका विस्तार कीजिए, ठीक है। मिलिट्री का एक्सपेंडिचर कम कीजिए,
मिलिट्री पे जो खर्चा किया जाता है, भारतीय आर्मी पे, इंडियन आर्मी पे जो खर्च किया जाता है, उसको हम कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा 50 से आधे से ज़्यादा भारत का रेवेन्यू किस पे खर्च होता था? इंडियन आर्मी पर। और इंडियन आर्मी काम क्या करती थी? इंडियन आर्मी का काम क्या था? देश की हिफाजत करना। देश की हिफाजत करना नो सर, वो सर्व करते थे ब्रिटिश आर्मी को। ब्रिटिश आर्मी को सर्व करते थे, बेसिकली ब्रिटिश इंटरेस्ट को, देश को कोई सर्व नहीं करना था। इंडियन तो खाली नाम को है, वो आर्मी है जो इंडियन पैसे से मेंटेन की जाती थी। एक हद तक ये भी कह सकते हो कि इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी, कि भारत में जो एम्पायर है वो काम करता रहे। इसके अलावा इंडियन आर्मी दूसरा काम करती थी, ब्रिटिश इंटरेस्ट को जहाँ भी इशू कुछ भी होता था तो भेजा भी जाता था। जैसे वर्ल्ड वॉर जब हुए तब भी इंडियन आर्मी को भेजा गया, जगह जगह पर भेजा गया। तो वो बेसिकली ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करते थे, और उसकी पेमेंट कौन करता था, पैसा किस कौन देता था? भारत के लोग, भारत के लोग ही उसका खर्चा उठाते थे। लगभग आधे से ज्यादा, मान लीजिए भारत का उस समय 100 रुपया रेवेन्यू इकट्ठा होता होगा, 1,00,000 करोड़ या करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, वो पैसे का मान लीजिए 10 करोड़ इकट्ठा किया था, 10 करोड़ में से 5 करोड़ तो इंडियन आर्मी, 5 करोड़ से ज़्यादा तो इंडियन आर्मी पर ही खर्च हो जाएगा। फिर बाकी जो 5 करोड़ बच जाएगा, उसमें से जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनको तनख्वाहें देनी है, उनके ऑफिस बनाने हैं, उसमें खर्चा होगा, वो थोड़ा बहुत खर्चा पब्लिक वर्क पर हो जाएगा, सड़क बन गई, कहीं ऑफिस बन गया, तो उसके बाद कुछ पैसा नहीं बचेगा। और जो जो लोगों की सहूलियत की चीज़ें हैं, जैसे स्कूल, हेल्थ फैसिलिटी, इन पर कितना पैसा दिया जाता है? एक बच्चे के 5,00,000-10,00,000 रुपया इनको दे दो, इससे ये लोग अपना जो है 1,00,000 रुपया दे दो, जिससे ये स्कूल बना ले। तो अब 1,00,000 रुपये में उस समय में भी इतने बड़े देश में ये संभव नहीं था कि हम ऐसा कोई बड़ा लेवल का चेंज ला सके। इसके अलावा जो लोग थे उनको अधिक अधिकार दिए जाए, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना। क्योंकि ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा था, ये एक्चुअली में भारत के खिलाफ ही हो रहा था। भारत के ऊपर, भारत ही पैसा दे रहा है अपने ऊपर कंट्रोल रखे जाने के लिए, खुद को गुलाम करने के लिए। पैसा भी कौन दे रहा है? भारत खुद ही दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, हम खुद दे रहे हैं पैसा कि हमें गुलाम बनाए रखो। ये इस तरीके का था। लोगों ने और से और अधिकार मांगने को, लोगों को दिए जाए सिविल राइट्स, जिन राइट्स की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 की, कि आज़ादी, बोलने की आज़ादी हो, आने जाने की आज़ादी हो, ये सब स्थापित हो। जो है जांच की जाए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, रॉयल कमीशन बनाया जाए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और खर्चे को जांचने के लिए, जिसके लिए वेलबी कमीशन बाद में बनाया गया। जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है भारत में, जो नौकरियां हैं उनके लिए जो इम्तिहान है, वो इंडिया इंग्लैंड में दोनों में एक साथ कराया जाए, और जो एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। जो आप आज आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हम एज लिमिट को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे एक मांग यही है कि भाई हम, आप अगर कम एज रखते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है? एज लिमिट अगर कम होती है तो उससे किसे फ़ायदा होता है, किसके नुकसान होता है? कोई बता सकता है? किसी को इससे भी फायदा हो सकता है क्या कि एज लिमिट ज्यादा या कम होने से? सर जो रिजर्वेशन वाले को सर प्रॉफिट होता है। किसको? जो मतलब जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए बेनिफिट है। रिजर्वेशन वालों को बेनिफिट है, नहीं औरों को? और किसी को? इससे सर तब तक सर लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाती।
इसमें जो है सबसे ज्यादा जो बेनिफिट या लॉस है वो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा कम होता है, मान लीजिए अगर हम इस ग्राफ को ऐसे समझें कि आपके पास मान लीजिए जैसे जैसे पैसा कम हो रहा है, इसको ऐसे बता दें यहाँ पर जैसे जैसे पैसा कम होगा तैसे तैसे एजुकेशन का टाइम बढ़ जाएगा, शिक्षा प्राप्ति की एज, भाई जो एक परिवार है जो वेल ऑफ है वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे सकते हैं कि भाई दसवीं करो बारहवीं करो, अब मेडिकल स्कूल जाओ, ये जाओ वहाँ जाओ, फटाफट फटाफट वो सारी एजुकेशन को बिना गैप के पूरा कर सकते हैं। जो वंचित परिवार होता है, जो गांव का बच्चा होता है, उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है, उसे कोई बताने वाला नहीं है या उसके पास साधन नहीं है, तो उसने किसी तरीके से अगर दसवीं बारहवीं पास कर भी ली तो उसे कोई बताएगा नहीं। अभी भी मैं जो मेडिकल की कोचिंग चलाता हूँ उसमें ये बात देखता हूँ कि अधिकांश जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, जो वंचित बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आप में से कौन बता सकता है कि नीट का एग्जाम देने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? सर इंटरमीडिएट पास, 60% मिनिमम मार्क्स। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो मुझे ये कहते हैं कि बीएससी की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज बच्चों को नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता कि हमें जो है नीट का इम्तिहान देने के लिए, उत्तर प्रदेश के अधिकांश बच्चों को ये गलतफहमी है कि हमें बीएससी होना चाहिए, पहले हम बीएससी कर लें उसके बाद। बहुत बच्चे होते हैं, मैं खुद भी आश्चर्यचकित होता था जब शुरू में मैंने ये काम शुरू किया तो, कि जो नीट का इम्तिहान 17-18 साल की एज के बच्चे को देना चाहिए। जब यूपी सर वो नेट समझ लेते हैं सर, नीट की जगह वो नेट समझ लेते हैं। नहीं नहीं नीट ही, वो नीट ही समझते हैं एक्चुअली। पुराने समय में पीजी करना पड़ता है ना, पुराने समय में नीट बीएससी के बाद समय पर बीएससी होता होगा, बहुत पुराने समय में यूपी में सीपीएमटी वगैरह में शायद होगा किसी जमाने में, पर आज नहीं है। पर ज्यादातर ये क्या है, इग्नोरेंस। जो वंचित बच्चे होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं कि वंचित बच्चा काम कर नहीं सकता, उसे आता कुछ नहीं है, अकल से पैदल नहीं होता है। जैसे रिजर्वेशन वाला भी एक आर्ग्यूमेंट लोग लेते हैं, तो जो रिजर्वेशन का बच्चा जब होता है, जो आरक्षण से आता है कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में, तो उसको केवल एंट्री तो मिल सकती है। मान लीजिए आरक्षण से कोई बच्चा आईआईटी चला जाएगा, कोई मेडिकल कॉलेज चला जाएगा, क्या आरक्षण जो हमारे रेगुलर एग्जाम होते हैं वहां भी लागू रहता है? नो सर, केवल एंट्री करते समय, प्रवेश करते समय। मान लीजिए मेडिकल स्कूल में आपको पास होने के लिए 100 में से 50 नंबर लाने हैं, तो क्या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है वो कहे कि नहीं जी मैं रिजर्वेशन से आया हूँ, मुझे 40 नंबर पर पास कर दो। अगर सारे बच्चे 50 नंबर पर पास हो रहे हैं तो उसे भी 50 नंबर लाने ही होंगे, अन्यथा वो पास नहीं होगा। हो जाएगा क्या पास? क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? मान लेते वैसे ऐसा भी नहीं है, पर अगर मिल भी गया एडमिशन तो पास नहीं हो सकता, पढ़ना पड़ेगा उसे, उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना बाकी बच्चे पढ़ रहे। तो ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता, ये जो एक भ्रम होता है केवल आपको घुसने का। ऐसे ही नौकरियों में भी है, नौकरी करने के लिए भाई आपका जो वहां पर अगर आप काम ना करें, आपको नौकरी दे दी मान लीजिए किसी को आरक्षण के कारण, पर वो काम ना करे तो क्या वो सर्वाइव कर जाएगा नौकरी में कि चलो कोई नहीं आदमी काम नहीं करता छोड़ दो इस आदमी को, बाकी जो है हम बाकी उसे कर लें। ऐसा तो नहीं होता, काम तो सभी को करना पड़ता है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो क्या नौकरी में मौजूद रह सकते हो? तो ये जो प्रॉब्लम होती है वंचित बच्चों की कि हमारे जो वंचित बच्चे हैं उनके पास, ऐसी बात नहीं है अकल कम होती है, वो भी तो वही एग्जाम पास कर रहे हैं जो बारहवीं का एग्जाम है,
हाई स्कूल का एग्जाम है, जो मेडिकल कॉलेज का एग्जाम है, वो भी तो वही एग्जाम पास करते हैं जो बाकी बच्चे पास करते हैं, उनके लिए कोई अलग एग्जाम नहीं होता है और ना कोई रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। परंतु वंचित बच्चों के पास सबसे मुश्किल होती है कि उनको जानकारी का अभाव होता है, संसाधन नहीं है, देने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे मैंने बताया आपको, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है बीएससी कि बीएससी जो है हम करने के बाद नीट का इम्तिहान देने के लिए वो आते हैं, तो ऐसे में आप 4 साल तो पहले ही पीछे, 3 साल पहले ही पीछे हो गए। जो बच्चा 17 साल में 18 साल में एमबीबीएस में जाएगा, वो 21 साल 22 साल में डॉक्टर बन जाएगा और काम शुरू कर देगा। ये बच्चा 22 साल में तो पढ़ना शुरू करेगा। अच्छा, 22 साल में आप जाओगे कॉलेज में, आप बड़े ऑकवर्ड फील करते हो, अरे कितना बूढ़ा बच्चा आ गया, ठीक है, बड़ा है। तो ये भी समस्या, ऐसी बड़ी सारी समस्याएं हैं। सेम चीज़ भारतीयों पर, तो जो चीज़ आज हम वंचित बच्चों के लिए कर रहे हैं, उस समय पूरा भारत ही वंचित था, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो। तो जो सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम थे, उसमें भारतीय पहुंच ही नहीं पाते थे। क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने एज को बहुत कम कर रखा था, एज को, एज लिमिट ऐसी रखी हुई थी अंग्रेजों ने कि न्यूनतम रखी जाए। जब न्यूनतम एज लिमिट होगी तो खाली अंग्रेज बच्चे ही पास हो पाएंगे, उन्हीं को इंग्लिश सिस्टम पता था, भारतीय बच्चों को तो इंग्लिश सिस्टम पता नहीं था कि ये सिस्टम कैसा होता है, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन कैसा होता है। तो वो उसके कारण से जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, और भी कई छोटी छोटी चीज़ों से डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। और वंचित लोगों का हमेशा से ये दुर्भाग्य रहा है, यही नियति रही है कि वंचित आदमी को। तो इसलिए कांग्रेस की ये मांग थी कि एज लिमिट को बढ़ाया जाए, जिससे कि जो बच्चे किसी भी कारण से अगर अपनी पढ़ाई देर से शुरू कर पाए हैं, जैसे वंचित बच्चा अपना स्कूल में पढ़ना भी बहुत देर से शुरू करता है, ठीक है, अब तो तब भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई है, पुराने समय पर बच्चे को पढ़ने बैठाया ही लेट जाता था, गाँव में लेट पढ़ने बैठाया जाता था। जहाँ शहर में बच्चा 3-4 साल का जाने लगता है, उसे गाँव में 7-8 साल के बाद ही उसे स्कूल भेजना शुरू करते हैं, तो वो ऑलरेडी पिछड़ गया इस दौड़ में। तो ऐसे कई चीज़ें थी, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी कि पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन को भारतीयों के लिए उनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए। और एक ये बहुत बड़ा कारण है कि यूपीएससी चाहकर भी, यूपीएससी में भी आज भी ये विचार है कि एज लिमिट जो 30 साल की एज लिमिट है, ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार है। एक समय पर 25 साल होती भी थी, परंतु इसे वो इसीलिए नहीं घटाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे जो आदर्श है, ये हमारा आदर्श है। आज जो प्रॉब्लम हम वंचित बच्चे फेस कर रहे हैं, वही पूरे भारत की थी उस समय। तो आप जो जो लैंडमार्क है, ठीक है, जो माइलस्टोन है, जो गोल पोस्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकते हालात के हिसाब से। भारत को एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियनाइज करने की मांग, ठीक है, डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज पार्ट ऑफ मूवमेंट, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो अंग्रेज चलाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस समय ब्रिटिश लोग ही होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। आप पुराने समय में कोई भी चीज़ देखेंगे तो जो कलेक्टर या बड़े बड़े जितने भी पद थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पद, उसमें ब्रिटिश लोग ही होते थे, इंडियन लोग नहीं होते थे। तो हमने ये इंडियनाइजेशन की, क्योंकि इंडियंस को भी एंट्री दो, और यही डिमांड, ये किस चीज की डिमांड है? रिजर्वेशन की। इसी बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने बाद के समय में कहा था कि जब आप भारत बना रहे हो, ठीक है, जब आप अंग्रेजों से चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियनाइज हो, यहां पर मेरिट की बात नहीं होती थी, ये नहीं होता था कि मेरिट की बात हो, यहाँ पर ये बात होती थी कि भारतीयकरण होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस बात को रखा था
कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो आजाद भारत का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब आप अंग्रेजों से अपने लिए प्रतिनिधित्व की बात करते हो, तो आपको भी वो प्रतिनिधित्व वंचित वर्गों को देना होगा। तो ये मांग उठाई गई थी, ये मांग उठाई गई थी, और यही कारण है, ये एक बहुत बड़े कारण है, ये अगर हम अपने इतिहास को पढ़े, कि जिनके कारण से इस पॉलिसी को, जो अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी है हमारी, रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसी है, आरक्षण की जो नीति है, उसको इसी कारण से एक्सेप्ट किया गया कि भाई आप पूरे समय तो अपने लिए अंग्रेजों से वही चीज मांगते रहे, अब वही चीज भारत के अंदर में एक समुदाय, एक बड़ा समुदाय मांग रहा है, 25% आबादी ये मांग रही है कि नहीं, हमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए, तब आप उससे नहीं भाग सकते हैं। और यही कारण था कि हमारे जो लोग थे, हमारे नेता थे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, ये बात बिल्कुल तर्कसंगत है, हमें भारतीयकरण कर, जब भारत आज़ाद हो रहा है, तो हमें सभी समुदायों को बराबर की भागीदारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो डिमांड थी वो थी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारा न्यायालय है, उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करना, ये एक और मांग थी। आर्म्स एक्ट को हटाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये देना, ठीक है, कि हमें बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स रखने की आज़ादी हमें भी मिलनी चाहिए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाना चाहिए, ये सवाल वैसे पिछले साल आ चुका है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्यों अलग होनी चाहिए? वैसे मैंने शायद इस पर पहले कभी चर्चा की है, मुझे जो याद आ रहा है, हमारे जो स्टेट है, जो गवर्नेंस है, उसके तीन हिस्से हो गए, ठीक है, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीन हिस्से हैं हमारे पास, तो इनको अलग क्यों होना चाहिए? फेयर डिसीजन के लिए, ताकि ये एक दूसरे पर फेयर डिसीजन के लिए नियंत्रण में रख सकें, एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया तुमने बोला। क्या नाम है तुम्हारा, घबरा क्यों रहे हो? पारस कुमार है सर। पारस कुमार, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, घबराओ मत यार। देखो, एक ही चीज में मैं क्लास व्लास ये सब फ्री में, तुम्हारा टाइम और अपना टाइम इसलिए खराब नहीं करता कि मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम ज्यादा है या तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है। मैं ये टाइम इसीलिए खराब नहीं करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, खराब गलत शब्द है वो, इसीलिए करता हूँ कि हमारे भीतर ये विश्वास पैदा हो। सबसे जरूरी है जीवन में विश्वास, कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वो सही कह रहा हूँ। तो अपने भीतर विश्वास पैदा करो, आप सब अपने भीतर विश्वास पैदा करो कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है कि हमारा जो गवर्नेंस का, जो मॉडर्न स्टेट का गवर्नेंस है ना, मॉडर्न स्टेट में आधुनिक समय में जो सरकार होती है, आधुनिक सरकार, जैसे राजशाही होती थी वो आधुनिक सरकार नहीं होती थी, जो गवर्नेंस का आधुनिक सिस्टम है, उस आधुनिक सिस्टम में क्या होता है, हम किसी एक आदमी को सर्वे सर्वा बनाते ही नहीं है। जैसे मोनार्की में, राजशाही में एक ही आदमी सर्वे सर्वा होता है, वही आदमी लेजिस्लेशन, कानून बनाता है, वही उस पर राजा फैसला दे देता है, और वही उनको लागू करवा देता है, वही कहता है कि जाओ उसे पकड़ के ले आओ, वही कानून बना देता है कि ये इस काम को करेगा उसको ये सजा दी जाएगी, और वही सजा भी सुना देता है। ऐसे में क्या है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पर आधुनिक सिस्टम में ये समझा गया कि यदि हमें एक फेयर व्यवस्था, जो ईमानदार व्यवस्था बनानी है, उचित व्यवस्था बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस, इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस क्या होता है? आज के समय में हमारी जो सरकार होती है, जो कानून व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसके तीन हिस्से हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी।
लेजिस्लेचर का काम क्या है भाई? सर कोई पर नियम बना के अब उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है, केवल संसद का काम है कानून बनाना। हमारे देश में संसद विद राष्ट्रपति, उसका काम है कानून बनाना, वो बनाती है और कोई नहीं बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी चाहे, कोई भी चाहे कि हम अपना कानून बनाए तो बना सकती है, उसे नो सर। संसद की स्वीकृति, जो कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों चीज जब मिलेंगी तब ही कानून बन सकता है। पर कानून बनाने के बाद अब उसका कोई रोल नहीं है। कानून लागू करना एक दूसरे ग्रुप का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, मिनिस्टर्स का काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम है, पुलिस का काम है कि भाई हमने ये कानून बना दिया, अब इस कानून को लागू तुम्हें करना। अब अगर, क्योंकि अब संसद का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया, तो अब एग्जीक्यूटिव लागू करेगी, पर एग्जीक्यूटिव अपने लिए कानून नहीं बना सकती, अपनी मर्जी से कहे कि नहीं ये कानून बना दो, नहीं बना सकता। डीएम तुम्हारा चाहे कि जी ये कानून होना चाहिए, डीएम तो ऐसा कानून बनाएगा जो उसको सूट करता हो। कानून, अब राइट टू इंफॉर्मेशन संसद ने दे दिया, डीएम का काम है उसे लागू करना, चाहे उसे पसंद आए चाहे ना पसंद आए, उसके उसमें उसका कोई से नहीं है, उसको वो लागू करना ही होगा। मिनिस्टर का काम है उसको लागू करवाना, अब उसके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये एक म्यूचुअल चेक एंड बैलेंस है। कानून बनाया, गलत कानून बना दिया मान लीजिए संसद ने, तो क्या होगा? ऐसा कोई कानून बना दिया फंडामेंटल राइट को का ब्रीच करता है, 42वां अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। क्या किया हमने कि भाई ऐसा कानून बना दिया, सारे फंडामेंटल राइट फाइट से सब बेकार की चीजें, कोई वो नहीं है, कोई ये सब इन सबको हटाओ, तो क्या होगा? ऐसे में क्या होता है, न्यायपालिका एक्शन ले लेगी, न्यायपालिका उसमें इंटरव्यू करेगी कि ये कानून गलत है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था, हमारे को इन सबसे ऊपर एक चीज है, लेजिस्लेशन से ऊपर एक चीज है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हमारे न्यायपालिका ने बना भी दिया कि ठीक है हमारे लिए कानून हम तो बना रहे हैं, हमने तो पास कर दिया बिल, कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा, कल को कोई संसद इस तरीके की इकट्ठी हो जाए, एमपी एमएलए से इकट्ठे हो जाए, वो कहते कि नहीं नहीं ये सब बेकार है, कोई फंडामेंटल राइट वाइट कुछ नहीं होता, हम राजा बनेंगे। तो यहाँ पर कौन बैठा है? जुडिशरी। जुडिशरी कहेगी नो, नथिंग सेइंग नो सच रूल। 42वें अमेंडमेंट कौन सा था वो केस? केशवानंद भारती सर, केशवानंद भारती, सब कुछ पलट दिया, जो कुछ बदलाव लाए गए थे सब पलट दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो जुडिशरी इज अ चेक ऑन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर चेक है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे पर कंट्रोल कर रहे हैं, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव भी आपस में एक दूसरे पर। अब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव है, डीएम है, आप में से कोई डीएम बन जाए, बड़े सारे ऐसे कलाकार भी बनते हैं लोग, ऐसी बात नहीं कि सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं, कलाकार लोग भी बनते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वो नहीं मानता, सेक्रेटरी नहीं मान रहा, नहीं करता इंप्लीमेंट, पुलिस वाला पकड़ के नहीं, एसएसपी कहता है जिन बोलने दो, कोर्ट तो बोलते ही रहते हैं, हम नहीं जानते कौन जज है, हम नहीं जानते हम, क्योंकि वो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो जुडिशरी क्या करेगी, पुलिस ने पकड़ रखा किसी आदमी को, जुडिशरी क्या कहती है, जब पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो जुडिशरी क्या काम करती है कि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायपालिका में, भैया 24 घंटे के अंदर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, बॉडी इन माय इन फ्रंट ऑफ मी, जज ऑर्डर कर देता है भी ये आदमी है, ये आदमी इसे लेकर आओ, कहा तुमने रखा हुआ है 24 घंटे के अंदर मेरे, मतलब उसे कहने की भी जरूरत नहीं है, बाकायदा संविधान के अंदर प्रावधान है कि उसे ले जाना ही पड़ेगा, और वो डिसाइड करेगा, ये नहीं डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव ने तय कर लिया कि नहीं नहीं ये तो चोर है, पुलिस ने कह दिया कि ये चोर है, अब वो तो पुलिस तय नहीं कर सकती कि चोर है या नहीं है, कौन तय करेगा, जज तय करेगा, जज बताएगा कि है या नहीं है, दोनों की सुनेगा, उसकी भी सुनेगा, वो कि भाई बताओ तुमने चोरी की या नहीं की, वो कहेगा नहीं जी मैंने चोरी नहीं की, पुलिस मेरे को जबरदस्ती फंसा रही है, मैं तो उस टाइम वहां था ही नहीं जब ये कह रहे हैं, तब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस बेवकूफ बना रही है। तो अपने आप एक सिस्टम ऑफ क्या बन गया, चेक एंड बैलेंस,
तो ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं हमारे संविधान के, हमारे स्टेट के, आज के राज्य के, ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पर क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस। कोई अगर गलत काम करने की कोशिश करेगा तो दूसरा उस पर कंट्रोल कर देगा, उसे रोक देगा कि भैया नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तीनों का आपस का इस तरीके का संबंध है जिससे ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी व्यवस्था काम करती है। तो इसी को करने के लिए कि जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाए। एक समय ऐसा था, क्यों ये मांग है, एक समय ऐसा था जो डीएम, कई जगह पर डीएम बोलते हैं, डीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और क्या नाम बोलते, कुछ और जगह नाम बताओ इसी आदमी के, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी ऑफिसर भी यही होता है, समाहर्ता। कानून व्यवस्था का भी मालिक यही होता है, डीएम जो है ना, उस राज्य की कानून व्यवस्था का मालिक भी यही होता है। जो एसएसपी भी होता है वो डीएम को रिपोर्ट करता है, पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी डीएम की होती है। अब पहले जो नाम है ना इसका, ये देखो ध्यान से देखो, इसे डीएम क्यों बोलते हैं, यानी कि इसके पास कुछ मैजिस्ट्रियल पावर, लॉ एंड कानून का, डिस्ट्रिक्ट का मतलब लॉ एंड कानून को देखता है सर जी, और इसको सजा देने का भी अधिकार था किसी जमाने में, केस सुनने का और केस डिसाइड करने का, कलेक्टर रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार इसके पास था। तो ये अधिकार थे, बाद में जो ये मैजिस्ट्रियल पावर्स थी, जो मजिस्ट्रेट के तौर पर, जज के तौर पर जो काम कर रहा था, वो पावर धीरे धीरे करके डीएम से विड्रॉ की गई कि यह पावर इनके पास नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा भाई, वही कानून व्यवस्था लागू करने वाला एग्जीक्यूटिव भी वही है और जज भी वही है, वही पुलिस को कह रहा है कि जाके पकड़ के ले आओ और वही उसको सजा भी सुना रहा है। तो ऐसी पावर्स जज से ले ली गई और इसकी मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करनी शुरू कर दी थी कि भाई ये जो पावर्स हैं इनको सेपरेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग थी कि हमारा जो आर्म्स एक्ट है उसको खत्म किया जाना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा कई सारे आर्थिक मांग भी उन्होंने शुरू की, आर्थिक मुद्दों पर भी मांग करना शुरू किया कि हमें जो है ये आर्थिक मांगे हैं, हम उनके विवेचना करेंगे कि किस किस प्रकार के आर्थिक मुद्दों के लिए, कि भारत के विकास के लिए आपको ये खर्च करना चाहिए, बजट भारत में पास होना चाहिए, बजट पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लागू होना चाहिए, डिफरेंट हेड्स में पैसा खर्चा किया जाना चाहिए। और साथ साथ इन्होंने ये घोषित किया कांग्रेस ने कि जो भारत की जो गरीबी है, ये जो गरीबी है और अकाल जो पड़ रहे हैं उसका कारण कौन है, उसके लिए जिम्मेदार है ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन वो चीज है जो इसके लिए जिम्मेदार है। जो शुरुआत का समय था, शुरुआत के समय पर जो सिस्टम फॉलो हुआ कांग्रेस में वो था मॉडरेट्स का। इस समय पर भारत के अंदर में जो लोग कांग्रेस को चला रहे थे वो मॉडरेट्स कहलाते थे, बाद के लोग एक्सट्रीमिस्ट कहलाए गए। ठीक है, अब ये मॉडरेट्स क्या होते हैं, हु आर दीज मॉडरेट्स, नरमपंथी। ठीक है, नरमपंथी ये अपनी बात कहते थे कि हाँ ये चीजें इन्हें करनी चाहिए, परंतु उनका काम था कि हम जो है पिटीशन करें, प्रार्थना करें, अंग्रेजों से प्रार्थना करें। अंग्रेज लोग बड़े अच्छे लोग हैं, अंग्रेज बहुत उदार हैं, माई बाप हैं, तो हमें अंग्रेजों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी बातों को सुने और हमारे इन अधिकारों को सुनिश्चित करें। और दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं कि जो नरम पंथ था ये एक स्ट्रेटेजी भी था। ठीक है, अगर डे वन से ही कांग्रेस ये कहना शुरू कर देती कि अंग्रेजों भारत छोड़ो,
1885 में कांग्रेस नारा देती अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो क्या होता सर? और सारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी समापन हो जाता। बिल्कुल ठीक है। अभी वो समय नहीं था, 1885 वो समय नहीं था जब लोगों की राजनीतिक चेतना, इस समय लोगों में भी राजनीतिक चेतना लगभग ना के बराबर थी, लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे, बहुत सीमित कॉन्शियसनेस थी लोगों के भीतर, बहुत कम लोग समझते थे। तो एक तो कॉन्शियसनेस बहुत कम थी, पहला कारण। तो ऐसे में अगर वो डिमांड करते भी, ज़्यादातर लोग भारत में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी शासन को माई बाप, ठीक है, मतलब क्योंकि हम लोग एक तो गैर राजनीतिक लोग थे, राजनीति से दूर रहते थे, और अंग्रेजों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा जाता था। अंग्रेजों ने भारत के अंदर में एक औ की, एक भय की, भय भी नहीं, एक भय से भी भय नहीं, जिसे भय नहीं होता, इंग्लिश में एक शब्द होता है औ, ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है बता सके? विस्मय, अगर मैं ठीक हूँ तो, विस्मय की स्थिति जो है मैं थे लोग, विस्मय मतलब कि बहुत आश्चर्यचकित की तरह, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत महान लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इतने थोड़े से लोगों ने इतना बड़ा देश वो कर रखा है, सबकी बात को सुनते हैं, सबका भला सोचते हैं, ऐसी एक जनरल परसेप्शन अंग्रेजों के प्रति लोगों में क्रिएटेड थी। और ये भी क्रिएटेड था कि अंग्रेजों को हम चाहे, ये इतनी बड़ी ताकत है जो पूरी दुनिया के इतने 50-60 देशों में शासन कर रही है, इसको हम चाहे भी तो भी हरा नहीं सकते, ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनको हराना संभव नहीं है। तो ऐसे समय में लोगों का कोई सपोर्ट नहीं था। हमने कहा कितने लोगों ने अटेंड किया पहला सेशन, केवल 72 लोग, 72 सर, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इतने लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, तो यानी कि ये इतनी अभी अवेयरनेस नहीं थी। दूसरा, उस समय पर इस तरीके के नारे, भारत छोड़ो, भारत को आजाद करो, ये नारे देशद्रोह के बराबर थे। उस समय कोई लिबर्टी नहीं थी लोगों के पास, कोई आजादी नहीं थी, अभी भी लिबर्टी बहुत सीमित थी, अभी क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं था। उस समय पर अंग्रेजी शासन को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। तो नरम पंथ को हम एज अ स्ट्रेटजी भी देख सकते हैं कि नरम पंथ वॉज अ मॉडरेटिज्म वॉज अ स्ट्रेटजी, कि हमें एक कुछ लोगों से लड़ना है, हमारी अभी शक्ति बहुत कमजोर है, सामने एक बहुत बड़ी शक्ति बैठी हुई है, हम जाके उससे सीधा जाके भिड़ जाए, वो हमें एक बार में ही खत्म कर सकता है। तो हमने वो ना अप करके हमने धीरे 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 अपने को मजबूत करने का काम शुरू किया, और ये अर्ली मॉडरेट्स ने ये काम शुरू किया, जिन्होंने लोगों को राजनीतिक रूप से इकट्ठा करना शुरू किया, उनकी राजनीतिक चेतना को बढ़ाना शुरू किया, जो आर्थिक शोषण के आर्ग्यूमेंट से उनको पहुंचाना उन तक शुरू किया, और पूरे देश में एक सेक्युलर, ये भी एक समस्या है कि भारत में एक ऐसा आंदोलन की आवश्यकता थी जो आंदोलन सबको साथ लेकर चल सके, क्योंकि भारत में सबसे अच्छी और बुरी चीज दोनों ही एक चीज है, वो है भारत की डाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? विविधता, ठीक है। भारत जो है अपनी विविधता, यही है इसकी शक्ति है और यही इसकी दुर्बलता है। भारत में लोग अलग अलग तरीके के हैं, पूरे भारत के अंदर में तमाम राज्य हैं, कोई कोई भाषा बोलता है, कितनी तो भाषा ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फिर कितनी सारी हमने अपने अपने धर्म का डिफरेंस कर रखा है, भाषा का डिफरेंस कर रखा है, फिर जाति का डिफरेंस कर रखा है, फिर क्षेत्र का डिफरेंस कर रखा है, अमीर गरीबी का तो डिफरेंस है ही है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, बहुत सी विविधता है भारत के अंदर में, इसको नेगेटिवली भी देख सकते हैं और पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। अगर नेगेटिवली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आप बटे हुए हैं, पॉजिटिवली देखें तो हम विविध हैं, अलग अलग हैं, और विविधता अच्छी बुरी नहीं होती है, ठीक है। अगर हम किसी एक कलर की शर्ट पहने,
या एक कलर का कपड़ा पहने वो हमें इतना अच्छा नहीं लगता। अगर हम कहीं जाएं बाग में किसी में और एक ही तरीके के फूल लगे हों और अलग अलग तरीके के फूल लगे हों, तो नेचर के अंदर में विविधता का बड़ा योगदान है। ये लोग विविधता नेचर पसंद करती है, नेचर यूनिफॉर्मिटी में विश्वास नहीं करती है। प्रकृति यूनिफॉर्म नहीं बनाना चाहती, उसने सबको इसीलिए अलग अलग बनाया है। कोई गोरा बनाया, कोई काला बनाया, कोई लंबा बनाया, कोई पदमोटा, कोई पतला, कोई रेस में भी अलग अलग तरीके के उनके लक्षण हैं। तो वो सब क्यों बने? क्योंकि नेचर विविधता को पसंद करती है। जो इवोल्यूशन है वो विविधता को पसंद करता है। तो इस विविधता से, धार्मिक विविधता, जातीय विविधता से लड़ने के लिए कांग्रेस ने अपनी अप्रोच ली डाइवर्सिटी की, सेक्युलरिज्म की। ठीक है, तो आज हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। वो सेक्युलरिज्म कहाँ से आया? हम जब बात करते हैं कि हमें सबको मिलके रहना चाहिए, सेक्युलरिज्म में विश्वास रखना चाहिए, तो ये जो सेक्युलरिज्म है हमारे देश में आया कहाँ से है? ये सेक्युलरिज्म हमारे देश में, इसके बीच हमारे राष्ट्रवाद के आंदोलन नहीं हुए। हमें राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यकता थी, एक राष्ट्र बनने के लिए, एक देश बनने के लिए सेक्युलरिज्म के। बिना सेक्युलरिज्म के हम एक राष्ट्र नहीं बन सकते, नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे। तुम फला धर्म के हो, हम भिमगाने धर्म के हैं, हमारा धर्म तुमसे अच्छा है, तुम्हारा धर्म भी ऐसा है, हम बोलेंगे तुम ऐसा करते हो। अगर हम इन विवाद में रहेंगे तो क्या होगा? हम एक देश नहीं बना सकते, राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। बना पाएंगे राष्ट्र अगर हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहे कि भाई तुम्हारी ये चीज खराब है, हमारी ये चीज अच्छी है, वो बुरा है, तुम्हारा प्रैक्टिसेस बुरी है, हमारी प्रैक्टिसेस बुरी है, तो इससे क्या हम एक बेहतर देश बना सकते हैं? नो सर, नहीं सर, नहीं बना सकते। देश के लिए हमने तो एक बहुत महत्वपूर्ण कमजोरी पहचानी थी ना, वो क्या थी? फ्रेटर्निटी, लैक ऑफ फ्रेटर्निटी। अगर हम एक दूसरे के चीजों को ही गलत बताते रहेंगे कि हमारा धर्म बेहतर है, तुम्हारा धर्म खराब है, तो क्या खत्म हो? उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? फ्रेटर्निटी को। और बिना फ्रेटर्निटी के भी राष्ट्र नहीं बन सकता। किसी भी राष्ट्र को बनने के लिए भाईचारा बुनियादी पॉइंट है। फ्रेटर्निटी बिना भाईचारे के क्रिएट नहीं हो सकता। तो आपस में भाईचारा होना, कनेक्टेड होना हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये नेसेसिटी है। भाईचारा कोई हमारे लिए कोई चैरिटी नहीं है कि हम भाईचारा का वो व्यवहार करते हैं, हम बड़े दयालु इंसान हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम भाईचारा ना। भाईचारा हमारी आवश्यकता है, इट्स अ सर्वाइवल नीड। अगर हमें देश को बचाना है तो हमें भाईचारे को मेंटेन करना पड़ेगा। एक दूसरे से अगर हम ये करते रहेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। हम सेक्युलरिज्म को ख़त्म करेंगे तो किसको ख़त्म कर रहे हैं? हम सेक्युलरिज्म को जब ख़त्म कर रहे हैं तो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं? नेशन को, देश को। हम अपने देश में जब तक ये सिस्टम अलग अलग रखेंगे ना कि हमें कास्ट सिस्टम से बड़ा प्यार है, हमें अपने अपने धर्म से बड़ा प्यार है, क्षेत्रवाद से प्यार है, तो हम इन सब से प्यार तो कर सकते हैं, पर हम सबसे ज़्यादा नुकसान भाईचारे को, फ्रेटर्निटी को पहुँचाएंगे, और फ्रेटर्निटी का जो नुकसान है वो हमारे देश को नुकसान पहुँचाएगा। तो देश को नुकसान यदि हम नहीं पहचानना चाहते तो हमें सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजों इन्होंने एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी, एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी जो है फैलानी शुरू की, जो कॉलोनियलिज्म इस समय पर साम्राज्यवाद एक एस्टेब्लिश नीति थी, उसको हटाने के लिए कि भाई हमें ये साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से, गुलामी से मुक्ति चाहिए। जो तरीके अपनाए वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन एंड कि हम संवैधानिक रूप से विरोध करें, एजिटेट करें। 1886 में बाद के आप सेशंस को पढ़ के आइएगा, बाद में कौन कौन से सेशन हुए, तो कल हम इसी समय पर ये क्लास करेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा से बताने वाले थे कुछ। क्या चीज कह रहे हो डियर? मुख्य परीक्षा से रिलेटेड सर कुछ कल बताने वाले थे, आज बोलने के। आपको यार पहले बताना चाहिए था, अब तो भूल गया, तो जाने का समय हो गया। बीच में डिस्कनेक्ट किया सर।
ठीक है, कल कर लेंगे, ऐसा करेंगे सैटरडे संडे में करेंगे, उस दिन थोड़ा समय ज़्यादा रहता है, लिबर्टी रहती है का समय की, तो हम शनिवार इतवार में इस डिस्कशन को करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप सारे लोग, कि क्या अगर शाम के समय कभी क्लास हो जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को? शाम को कौन सा कॉलेज होगा? पढ़ाई करनी है तो मैंने आपको पहले दिन कहा था, पढ़ाई करनी है तो एडजस्ट करना ही करना है। सर प्लीज सर नहीं, क्योंकि मेरी ट्यूशन क्लासेस रहती हैं 8 बजे, 6 बजे तक अगर क्लास होगी तो सर एडजस्ट कर लें। 4:30 से 8 मेरी ट्यूशन क्लासेस रहती हैं। देखो इतने सारे लोगों, एक टाइम का कंसेंसस बन नहीं पाएगा, 6 बजे का करेंगे, ठीक है? वैसे क्लास होगी, आप घबराए नहीं, कभी ये रेयर क्लास बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो रेयर, कभी कोई इक्का दुक्का क्लास होगी, और अगर किसी की छूटेगी भी तो रिकॉर्डेड क्लास उसको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर।